शासन सचिवालय में गुरुवार को मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। पीएचईडी और चिकित्सा विभाग के करीब 8 मामलों को लेकर सचिवालय में कमेटी ने हाई पावर मीटिंग की और इसमें हर मामले की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में डीओपी प्रमुख सचिव रोली सिंह, पीएचईडी के प्रमुख सचिव संदीप वर्मा और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव हेमंत गेरा भी मौजूद रहे। उन्होंने विभाग से जुड़े मामलों पर राय दी और साथ ही बता दें कि गौरतलब है कि जिन गैजेट अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित हुए 3 साल हो गए हैं उनकी बहाली के लिए बैठक में नियमित समीक्षा की जाती है। आमतौर पर यह बैठक हर 3 माह में होती है और कमेटी में हुई अनुशंसा मुख्यमंत्री को भेजी जाती है। इसके अनुमोदन के बाद इसके आदेश जारी किए जाते हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि आचार संहिता हटने के बाद ये आदेश जारी होंगे।